रखेंगे। सत साहिब जी, मान और सम्मान के योग्य मेरे समस्त ग्रामवासी लाला, मेरे पिता सम्मान बुजुर्गों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वो दोनों ही कैंडिडेट हैं, वो हमारे ऊपर थोपे गए हैं। ये फैसला आपको लेना है। मनोज कौशल्या जी हमारे बीच के, हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मजबूत साथी रहे हैं। उन्होंने 22 साल दीपेंद्र हुड्डा जी के अलग के लिए, पार्टी के लिए लगाए हैं। तो आप सभी का फैसला आपको खुद लोगे कि आपने अपने पुराने साथी का साथ देना है या हमारे ऊपर थोपे गए जो एक अभी से आए हैं 8-7 महीनों से, आप उनका मदद करोगे या भाई की मदद करोगे। पार्टियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बात है जो पूरे समय में जो साथ दे, पूरी हवा चल रही थी, पूरा देश बह रहा था, उस दुख की घड़ी में दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले रात और दिन मनोज कौशल्या जी थे। वो तो गाली बक रहे थे कि ये अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप मुसलमान हो, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, वो गाली दे रहे थे। आज वही सत्ता का परिवर्तन दिख रहा है तो वो लालच में आके अपना कार्य कर रहे हैं। ये फैसला आपको लेना है कि आप अपने ईमानदार साथी पूरे जीवन भर 22 साल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूत कंधे से कंधा मिला के चले हैं, आप सभी ने देखा है, और वक्त सुख दुख में खड़े रहे हैं हमारे साथ। एक मौका इसको देना है ताकि ये पता चले कि वो ही हमने देखो वोट डाले हैं, सभी ने अपने दीपेंद्र हुड्डा जी के व्यवहार के ऊपर वोट डाले हैं, ना कि मैंने कोई भाई मैंने सारे वोट दिलवाई है। वोट आप सब लोग डाल रहे हो लेकिन ठेकेदार बन गया है एक। तो ये फैसला आप लोगे कि उनके व्यवहार पे आपने वोट डाली है कि आपने सिद्धि हुड्डा साहब को वोट दी है। अब तो ये आप सभी के आशीर्वाद से 8 तारीख को जिस दिन ये डब्बा खुलेगा उसमें पता चल जाएगा कि किसने किसकी वोट डाली है, किसकी नहीं डाली। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जैसा आपने मेरे चुनाव में मेरे को आशीर्वाद दिया था, उससे भी बढ़ करके भाई मनोज कौशल्या को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करना है ताकि हम आने वाले समय में अपने हक के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य करा सके। रही बात अपने ग्राउंड की, तो साहब जो मेन समस्या ये है कि हमारे जो पानी भरता है ग्राउंड में, वो आपने देखना है। यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए, ये मेरी मांग है जी साहब आपसे। अगर समाज आपको मौका देता है तो आप हमारी इस मांग को पूरा करोगे। ताकि हमारे जो साथी हैं वो यहां से खेल कूद कर आके अपनी नौकरी लगे, देश के लिए सेवा करे, खिलाड़ी बने, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप सभी ने मेरे को मान सम्मान दिया, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि आपने जो ये पगड़ी का मान सम्मान दिया है, मैं जीऊंगा जब तक इसका पूरा तह दिल से मान सम्मान रखूंगा, इसको आंच नहीं आने दूंगा, अपना खून का एक एक कतरा आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। जब तक हमारे बीच का साथी, गांव का साथी नहीं बैठेगा ऊपर जाके, तब तक कोई कार्य नहीं होने वाला। आपको भी देखा है पार्टियों के ऊपर वो आएंगे वोट लेके चले जाएंगे, क्योंकि तो पार्टियों के ऊपर है। जब तक क्षेत्र में नहीं घूमेंगे, परेशानी नहीं देखेंगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा।
उनको पता चलना चाहिए कि अगर एक भी कार्यकर्ता या साथी आपसे दूर जाता है तो कोई ना कोई कमी रही है, उसके कारण जाता है, तो मान सम्मान भी रखेगा, बात भी सुनेगा आपकी और काम भी करेगा। और आप देखना एक नई बदलाव की तरफ भाई साहब ने अपना जो कार्य किया है, आगे अगर इनकी हिम्मत टूट गई तो आगे हमारे में से आप में से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं भी एक गांव का बच्चा भी एक विधायक बन सके। इन्होंने एक पहल की है, आप सब मिलके इसका साथ निभाए, अपने मत का आप सही उपयोग करें, आपका अधिकार है, आपको सोचना है, आपने फैसला लेना है कि पार्टी को वोट करना है या पार्टी आपको पूछेगी या भाई पूछेगा आपके समाज के बीच में रहकर। तो आपने मेरे को सुना, जो मान सम्मान दिया उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। सत्साहेब।